मिल्किंग करने के बाद फिर अंदर बांध देता हूँ इनको, है ना। और फिर जैसे कि आपने बताया था कि रात को 9 बजे वापस इनको बंदा रहता है, मतलब रात को 9 बजे खिलाने के लिए डालते हैं ना आप इसको, सूखा जो भूसा रहता है वो डाल देते हैं आप इनको और फिर छोड़ देते हैं। देख सकते हैं आप सभी किसान भाई इनका जो खाने का जो प्रोसीजर, खिलाने का कैसा क्या प्रोसीजर रहता है, कितने टाइम देते हैं। ये 2 टाइम इनको सूखा भूसा देते हैं, एक सुबह 10 बजे के आसपास और शाम को रात को 9 बजे के आसपास, ये 2 टाइम खिलाते हैं। और कॉन्सेंट्रेट फीड में आप इनको क्या खिलाते हैं, इनको जो पशु आहार वगैरह, खल वगैरह? पशु आहार, खली और गेहूं का चापड़। अच्छा, गेहूं का चापड़, पशु आहार और खल, तीनों मिक्स। तो आप मेरे को बताइए कि इसमें मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी एक जानवर को आप दे देते हो? जैसे बड़ी भैंसों को तो दे रहे हैं अपन 3-3.5-4 किलो। बड़ी भैंस जो है उनको 3-4 किलो आप एक टाइम में दे देते हो, मतलब तीनों को मिला के, मतलब जैसे पशु आहार और खल और एक और क्या चीज आपके गेहूं के जो चापड़ रहती है, तीनों को मिला के आप 3-4 किलो एक जानवर को आप दे देते हैं एक टाइम में, है ना। ऐसे ही सेम शाम को, तो इनको गला के देते हैं या सूखी देते हैं? सूखी दे रहे हैं अभी आप। अच्छा, चापड़ी गल रही है, अच्छा चिपक जाती है खाने में गले में। अच्छा, तो गेहूं की चापड़ को गला देते हैं, बाकी जो खल रहती है वो और पशु आहार उनको सूखी ही डाल देते हैं ना। तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई इनका जो खाने का, खिलाने का जो फीडिंग का सिस्टम है वो कैसा रहता है। तो आइए हम जो चल रहे थे अभी आपको इनकी पशु के बारे में और आगे जानकारी देते हैं। ये जो भैंस थी, ये वाली फर्स्ट नंबर पर जो बंधी थी, इसके 4 लीटर के आसपास इसका मिल्क की कैपेसिटी। और ये बीच में जो केड़ा, ये पाड़ा पाड़ी किसका है? पाड़ी है ये, पाड़ी किसकी है ये? ये तो, अच्छा, माँ नहीं है इसकी और ये केड़ी इन्होंने घर की है ना, पाड़ी, सॉरी। और उसके बाद ये जो सेकंड नंबर की जो भैंस बंदी है, इसकी क्या है खूबी है? मुर्रा नस्ल की है भी? अच्छा, सभी भैंस जो है वो मुर्रा नस्ल की है। और इसकी क्या खूबी बताते हैं आप, इसकी मतलब जो मिल्क कैपेसिटी वो कितनी है? कितनी है लगभग फिर भी मिल्क कैपेसिटी इसकी? 3 लीटर के आसपास दे रही है। 3 लीटर के आसपास अभी दे रही है ना। 6-7-8 महीने इसको भी लगभग 7-8 महीने जने को हो गए हैं। और अभी जो 3 दिन पहले इसे करवाया, अच्छा सीमन भी इसको 5-1 दिन पहले करवा लिया है, तो ज्ञापन भी करवा लिया है इसको। और लगभग 3-3.5 लीटर के आसपास ये अभी भी दूध कर रही है ना। अच्छा, तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई इसकी जो ऑर्डर की क्वालिटी है, लगभग सारी भैंस में कहूँगा कि ये ज़्यादा समय हो चुका है इनको जने को, अभी 6-7 महीने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे मंडलोई जी, कि ये जो आपकी भैंसें हैं इनको समय क्यों हो गया इतना, मतलब जनने के बाद आपने जल्दी गाबन नहीं करवाया इनको जल्दी? समय तो अपने को मिल भी नहीं पाया अगर आ भी गई हो तो, क्योंकि अच्छा ध्यान नहीं दे पाया आप शुरू में स्टार्टिंग में। अच्छा, तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई कि अगर आप भी अगर शौकीन है और आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो सबसे मेन जो चीज़ ध्यान रखने की वो ये है कि इसमें आपको समय देना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो आपके पशु हैं उनको समय पे ज्ञापन करवाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस बिज़नेस में प्रॉफिट हो पाएगा। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि भैंस हो चाहे गाय हो, दूध देती 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 उनकी भी एक क्षमता रहती दूध देने की, कि दूध देते देते वो भी कूद जाते हैं। तो आगे इसके जो बछड़ा बछड़ी वो मर गया, केड़ा पाड़ा पाड़ी एक के भी नहीं है। और ये जो बंदी है 4th नंबर पे, ये इसकी दूध की मिल्क की कैपेसिटी कितनी है? 3 लीटर के आसपास दे रही है। जब जनी थी जब कितना दे रही थी? 5-6 लीटर दूध इसने लगाया जनने पे। और इसको कितना टाइम हो गया? ये दोनों साथ लेके आए थे जोड़े में आप, है ना। तो देख सकते हैं आप सभी, 1,40,000 रुपये में जोड़ा लिया था आपने और 6-6 लीटर के आसपास इनकी कैपेसिटी मिल्किंग की थी उस टाइम जब जनी थी ये। जब तो आज ये इनको लगभग हो गए 7 महीने के आसपास और अभी ये दूध दे रही है 3-3.5 लीटर के आसपास, है ना। तो इसकी जो मिल्किंग की कैपेसिटी आप बता रहे हैं 3-3.5 किलो अभी भी ये दे रही है ना। अच्छा, तो भाई साहब इनका फेट परसेंटेज कितना बैठता है? फेट तो अभी इनका अच्छा है। कितना लगभग आपका ओवरऑल फेट कितना ज़्यादा है? गाय और भैंसों का सभी का मिक्स चल रहा है। 5-5.5-6 फेट के आसपास इनका आ जाता है ना।
तो जिसमें गाय का दूध अभी आपके पास ज़्यादा हो रहा है, ताज़ी जनी भी है और अच्छा, तो 5.5 से 6 के बीच में आपका फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो लास्ट सेकंड लास्ट पे बंदी हुई है ये एक तो जोड़ा था ये भी, अच्छा ये 1,35,000 रुपये में दोनों भैंस आपने परचेज की थी, है ना? ये अभी भी 4 लीटर दूध लगा रही है। ये जो भैंस आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है लगभग 4 लीटर अभी दूध दे रही है, और इसको जने को कितना टाइम हो गया? जने को लगभग 5-6.5 महीने हो गए। 5 से 5.5 महीने इसको भी जने को हो गए। इसको ग्यावन करवा लिया अभी नहीं करवाए? 2 महीने का लगभग। अच्छा 2 महीने के आसपास इसको भी ग्यावन इन्होंने करवा लिए, उसके बावजूद ये कितना लीटर दूध दे रही है? 3.5-4 लीटर के आसपास दूध अभी भी ये लगा रही है, है ना? देख सकते हैं आप सभी किसान भाई। और ये जो लास्ट में बंधी हुई है ये भी अभी 4 लीटर दूध लगा, 4 लीटर दूध दे रही है। आपके पास जितनी भी भैंसे हैं अभी उनमें से सबसे ज़्यादा दूध इसके पास है ना? कितना दूध दे रही है अभी ये? 4 लीटर दूध। और जन्ने पे? जन्ने पे इसने दिया 6.5 लीटर का, 6.5 लीटर के आसपास इसने दूध लगाया है। तो आप देख सकते हैं इसके अडर की क्वालिटी भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक थन से दूसरे थन की दूरी है वो भी काफ़ी दूर है, और इसके मिल्क वेन दिख रही है वो भी बहुत ही शानदार क्वालिटी का अडर। और ये अभी फ़िलहाल कितना महीना होगा इसको जने को? 5.5 महीने के आसपास इसको भी जने को हो गए हैं, और इसको ग्यावन करवा लिया अभी नहीं करवाई? अभी नहीं हुई है ये। देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, ये इनकी जो सारी भैंस है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इनके जो यहाँ पर बांधने की जगह है वो ऊपर शेड लगा रखा है इन्होंने चद्दर का, और आसपास से दीवार है पूरा। मैं आपको व्यू करवाता हूँ, पंखे भी लगा रखे हैं गर्मी के लिए इन्होंने, और ये एक बाहर भी इन्होंने जगह शाम के टाइम पे इधर बांध देते हैं बाहर की तरफ। देख सकते हैं आप सभी किसान भाई। और एक ये जो गाय है ये क्या अभी जनी हुई है क्या? 2 दिन हुए हैं इसको जनी हुई को, और जर्सी क्रॉस ब्रीड जिसको दोगली जर्सी बोलते हैं हम, उस ब्रीड की ये गाय है। इसका जो 2 दिन की अभी जनी हुई है तो पिछले ब्याज में आपके पास ही थी है कि? पिछले ब्याज में आपके पास थी। कितना दूध लगाया था? 8-8.5 लीटर दूध लगाया था पहले। 8-8.5 लीटर पहले दिया था। तो देख सकते हैं इसके अडर पे अभी सूजन काफी दिख रही है। तो इसके अडर पे जो सूजन आ रही है अभी, इसका कुछ करवाया आपने क्या? हाँ अभी स्प्रे चल रहा है इसमें। अच्छा, वो तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, ये 2 दिन की अभी जनी हुई। इसके नीचे क्या है? नीचे भी केड़ा है, मेल काफ है, इसके नीचे केड़ा है, और आप इसके ऑर्डर देख सकते हैं। थोड़ी सी सूजन है इसके ऑर्डर पे अभी। ये नीचे मेल काफ है, और इसको अभी ये मेस्टिवेल स्प्रे लगा रहे हैं, और इसके साथ में हाई वोल्ट SR की ये टेबलेट दे रहे हैं सूजन के लिए। तो एक ये आपने डॉक्टर से सजेशन लिया था क्या इसका? डॉक्टर से सजेशन लेके और ये टेबलेट दे रहे हैं अभी हाई वोल्ट करके, जिससे कि इसकी सूजन कम होगी। पिछले ब्याज में कितना दिया था इसने दूध? 8.5 लीटर दूध था, है ना? तो इस बार कितनी उम्मीद करते हो इससे? 10 की है। अभी कितना लगा रही है वैसे ये? 4.5 लीटर 4.5 पे आ चुकी है अभी। 2 दिन की जनी है, चीकई अभी तो दे रही होगी, है ना? तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई। मंडलोई जी, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं कि इसमें जैसे आपका टोटल दूध कितना हो जाता है, मतलब इसमें सीधा सीधा भाषा में अगर अपन पूछे तो इसमें प्रॉफिट कितना पड़ता है अपने को? 40% प्रॉफिट है अभी तो। 40% प्रॉफिट है अभी इस समय अभी दूध का रेट कम होने की वजह से। अच्छा, दूध का रेट अभी कम हो गया है ना, तो ये तो कोरोना की वजह से हो गया, नहीं तो अभी तो दूध का रेट काफ़ी अच्छा चल रहा था उस टाइम, जब सही से चल रहा था, जब ये मान के चलो 60% बचा लेते थे। तो पहले 60% जब प्रॉफिट बच रहा था, जब क्या रेट मिल रहा था आपको? 7 रुपये 20 पैसे आपको फेट के हिसाब से मिलता था, है ना? तो अपना दूध ही जा रहा था 38 से 40 रुपये लीटर।
₹40 लीटर के आसपास उस टाइम दूध जा रहा था, और अभी क्या फेट के हिसाब से ले रहे हैं? ₹5.50 फेट चल रहा है। ₹5.50 फेट, मतलब अभी तो काफी 27 रुपए लीटर के आसपास अभी कोरोना के चक्कर में। 12 लीटर का नुकसान अभी हो चुका है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के पहले जो था वो 60% ये अभी बचत कर लेते थे। तो इनको खिलाने में कितना वो लग जाता है खर्चा? तो ये मान के चलो कि खिलाने में अभी 300-350 रुपए का पर डे का खर्चा है, पर एक टाइम का। एक टाइम का 300-350 रुपए का आप इनको खिला रहे हैं? इनका खर्च है 600-650 रुपए, 700 रुपए का। अच्छा, सभी जानवरों का? कि इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो अभी दूध नहीं दे रहे? सभी दूध दे रहे हैं ना? सभी दूध दे रहे। अच्छा, तो टोटल इनका खर्चा आप 350-400 रुपए पर टाइम का है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप सभी किसान भाई, जो अभी मंडलोई जी ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके अनुसार अभी कुछ टाइम पहले 60% की इनको बचत हो रही थी, और अभी जो कोरोना वायरस है उसके चक्कर में फैट का जो परसेंटेज है वो डाउन हुआ, इसके कारण से इनको अभी 40% के आसपास अभी भी फिर भी बचत हो रही है। तो जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।